घुला हुआ सेनेटरी पैड का घोल पी रहे हैं यहाँ युवा। इस दुनिया में अजीब गरीब लोग होते हैं जो अपनी अजीब हरकतों से सभी को परेशान कर देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। ऐसे कई किस्से सुने होंगे आपने, ऐसे ही आज आपको इंडोनेशिया का एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं। आजकल यहाँ पर किशोर वर्ग बेहद ही अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। युवा पी रहे हैं गंदे सैनिटरी पैड का घोल। इंडोनेशिया के युवा लड़के महिलाओं के गंदे सैनिटरी पैड्स और बच्चों के डायपर्स को पानी में उबालकर उसके पानी को पी रहे हैं। इन लोगों को कहना है कि इस पानी को पीने के बाद हवा में उड़ने जैसा फील कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद एक अजीब से आनंद की अनुभूति होती है। वजह है चौंकाने वाली। इंडोनेशिया की नेशनल ड्रग एजेंसी का कहना है कि सैनिटरी पैड्स में पाए जाने वाला केमिकल वही लोग पी रहे हैं जिनको लगता है कि उन्हें आनंद आ रहा है। ये लोग गंदे पैड्स और डायपर को कचरे से निकाल कर लाते हैं। इसके बाद करीब एक घंटे तक इन्हें पानी में उबालते हैं और इसके बाद उस पानी को ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। जब यह ठंडा हो जाता है तो इसका शराब की तरह से सेवन करते हैं।